नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। पुरानी जिला न्यायालय शाहजहानाबाद भोपाल में अमरनाथ यात्रा से सकुशल वापस आने पर भोपाल गैस राहत अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा सभी अमरनाथ यात्रियों का श्रीफल एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भोपाल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी कोठारी, सचिव सुशील श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सुहाग सिंह सोलंकी, पूर्व कोषाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, अमरनाथ जी की यात्रा करने वाले अधिवक्ताओं में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोहेंद्र वर्मा, सचिव मनोरंजन सिंह ठाकुर, पूर्व कोषाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, मनोज रघुवंशी, राकेश गिरी, देवेंद्र रावत, रमेश शर्मा, जी के गुप्ता, प्रेम भारद्वाज, लखपत श्रीवास, भूपेश तेजवानी, जनार्दन पटेल, राकेश त्रिपाठी, राजकुमार सिंह, सुधांशु द्विवेदी, अजीत खत्री, हनुमंत सिंह रघुवंशी, मनीष रावत चौहान, शरद सक्सेना, योगेश मालवीय आदि अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। इस गरिमामय समारोह में भोपाल गैस राहत अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अन्य पदाधिकारी, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष विनोद सुलेरे, सचिव पी के पाल, कोषाध्यक्ष सी पी वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल ताहिर, सैयद आविद हुसैन, खुमान सिंह भदौरिया, श्रीमती रजवंती सिंह, फिरोज खान, प्रकोष्ठ के अन्य सदस्य अशोक कुशवाहा, रफी खान, ओम नारायण, सिराजुद्दीन, मनोहर सिंह परिहार, आज़ाद आलम खान, हनीफ खान, वहीद खान, सईद खान, मनीष साहू, वरिष्ठ अधिवक्ता राम महेश्वरी, उमर पाशा आदि अधिवक्ताओं ने सभी अमरनाथ यात्रा से सकुशल लौटे अधिवक्ताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। कार्यक्रम उपरांत सभी बाबा अमरनाथ तीर्थयात्राओं ने बताया कि विपदा के समय वहां के हालात बहुत ही चिंताजनक हो गए थे, जो हमने बहुत करीब से देखे और अपने यात्रा के अनुभव साझा किए। राष्ट्र आजकल से अब्दुल ताहिर खान, आज हम स्थित हैं पुरानी जिला न्यायालय में। यहाँ पर आज हमारे कुछ अधिवक्ता साथी जो कि अमरनाथ यात्रा पर गए थे, उनके यहाँ पर लौटने पर एक अधिवक्ताओं को सम्मान किया गया, जिसमें सभी इंडस्ट्रियल औद्योगिक जजेस एवं भोपाल गैस कांड के जजेस भी यहाँ उपस्थित रहे और बाहर से हमारे अध्यक्ष और सचिव उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। अब हम जो एक जत्ता भोपाल से लगभग 50 लोगों का गया था यहाँ से, उसमें से हमारे एसोसिएशन के भी पदाधिकारी लोग गए हुए थे, जो कि वहाँ की विस्तृत जानकारी अपनी आंखों देखी वहाँ से बयां करेंगे। मेरे साथ हैं सचिव भोपाल गैस राहत अधिवक्ता प्रकोष्ठ के मनोरंजन सिंह ठाकुर, जो कि विस्तृत जानकारी आपको देंगे। जय बाबा बर्फानी की जय। जय हर हर महादेव। हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 2 जुलाई को मालवा से यहाँ से प्रस्थान किया था। हम लोगों ने 3 को जम्मू स्टेशन पहुँचे और 4 तारीख की सुबह बस द्वारा यात्रा प्रारंभ कर 4 तारीख की शाम को बालटाल बेस कैंप जो है, जहाँ से यात्रा प्रारंभ की जाती है, वहाँ हम पहुँचे थे। हम लोग अपने ग्रुप में 11 एडवोकेट प्लस हमारी फैमिलियाँ यानी बच्चे पत्नियाँ, ऐसे कुल मिलाकर 39 लोगों का हमारा एक जत्था था और 20 लोगों का एक जत्था था, जिसमें कि हमारे भोपाल जिला न्यायालय के कुछ कर्मचारी और कुछ हमारे अधिवक्ता साथी भी थे। इस तरह से 60 लोगों का टोटल हमारा जत्था था। ठाकुर साहब, जैसे आपने बताया कि जत्थे में आप गए थे, एक कोरोना काल के बाद एक लोगों में उत्साह होगा, 2 साल के बाद ये यात्रा शुरू हुई है, रुकी हुई थी यात्रा, चालू तो थी लेकिन ऐसा एक जोश लोगों में नहीं मिला, तो आपने कोरोना काल से पहले की यात्रा और इसमें क्या अंतर पाया? आप शायद पूर्व में भी जा चुके हैं। तो कोरोना काल के पहले और बाद में ये अंतर पाया है कि इस समय लोगों में बहुत उत्साह है बाबा के दर्शन करने का। जहाँ आदमी कुछ संख्या में जाता था, तो इस समय जो है कि अनगिनत संख्या में और आदमी बहुत तादाद में दर्शन करने के लिए बाबा के जा रहा है। और कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी रास्ते में होती हैं, पढ़ाई जो पहाड़ी एकदम बालटाल से गुफा के लिए जब दर्शन के लिए हम जाते हैं तो काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, जिसको चढ़ने में काफ़ी लोगों को, पैदल वालों को दिक्कत आती है, घोड़े पे अगर जा रहा है आदमी तो भी दिक्कत आती है, लेकिन बाबा सबको जो है यात्रा सफल बनाते हैं और सब बाकायदा जो है
सकुशल पहुँचते हमारे साथ हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय लोहेंद्र वर्मा जी। मैं वर्मा जी से बोलेंगे, आप बताएं वर्मा जी वहाँ क्या कोरोना से पूर्व कोरोना के बाद कोरोना काल के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई और ये विपदा सामने आई उसके बाद कैसा माहौल रहा वहाँ पर? उसके बाद इस प्राकृतिक जो आपदा आई थी उसके बाद दो दिन के लिए यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन वहाँ मिलिट्री का बहुत अच्छा प्रबंध रहता है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का रुझान जो है भक्तों के प्रति कैसा रहता है? अच्छा रहता है, और किसी प्रकार की ऐसी समस्या आती है तो व्यक्तिगत रूप से वो लोग सहयोग करने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ के निवासी रहवासी और जिन्होंने टेंट लगा रखे हैं, जो धर्म से तो मुसलमान हैं परंतु वहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि अपन किसी जातिवाद से जुड़े हुए हैं। वहाँ सिर्फ एक मानवता दिखती है, हर आदमी और मानवता के नाते हर अपना हाथ सहयोग प्रदान करता है। और जो यहाँ पर यात्री स्वयं जाते हैं, यात्री भी व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर सहयोग करते हैं। वहाँ का भी ऐसा लगता नहीं है कि किसी जाति धर्म से कोई ऐसे विवाद। तो मिलिट्री और वहाँ भी जो टेंट वाले होते हैं, घोड़े पिट्टू जो भी होते हैं, सब सहयोग करते हैं एक दूसरे का। और सब कहते हैं कि हम भोले के दरबार में आए, सब भोले के भक्त हैं, सब एक दूसरे। वहाँ ऐसा सांप्रदायिकता वाली कोई बात नहीं होती, ना हम करते ना वहाँ के घोड़े वाले। 99% मुसलमान है, और जहाँ तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ का जो पंडित है वो भी मुसलमान है, वो भी और जो सब जय भोले की आवाज़ करते हैं। और जो आखिरी रक्षाबंधन के दिन जो मुबारक छड़ी जाती है वो मुसलमान ही लेके जाते हैं। वहाँ रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।